नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्टफ टमेटोज बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसमें किन-किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने 7 मीडियम साइज के टमाटर को लिया है और इसे ऊपर से इस तरह से काट लिया है। और इसी तरह मैंने सभी टमाटरों में इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर का जो गूदा है उसे इस तरह से निकाल कर इस तरह, ये देखिए, इस तरह से साफ कर लेना है। इसी तरह मैं सभी टमाटरों में उसे निकाल कर अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी टमाटरों से इस तरह से अंदर का गूदा बाहर निकाल लिया है। और अब मैं इसके स्टफिंग की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैंने 3 बड़े प्याज को लिया है और इसे थोड़ा बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है, 1 टीस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता, 1 टीस्पून हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, पनीर 1 कप, चीज मैंने 2 स्लाइस लिया है और इसे इस तरह से टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, और 1 टेबलस्पून के लगभग तेल मैंने रिफाइंड का प्रयोग किया है। आप चाहे तो कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं 1 टेबलस्पून इसमें रिफाइंड को डाल रही हूँ। अब मैं सबसे पहले अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और प्याज को इस तरह से डाल देंगे। और 1 टीस्पून के लगभग मैं इसमें नमक को डाल दूंगी। इसे के साथ में इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें पनीर को मिला दूंगी। अच्छी तरह से मिला देना है और धनिया पत्ता को भी मैं इसमें और अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे टमाटर में स्टफ करूंगी। ये देखिए, ये हमारा जो स्टफिंग है वो अब ठंडा हो चुका है और अब मैं टमाटर में इस तरह से दबा दबा कर भर दूंगी। एक और मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ऐसे भरना है। इसी तरह मैं सभी टमाटरों में भर लूंगी। ये देखिए, मैंने सभी टमाटरों को इस तरह से अच्छी तरह से भर लिया है और अब मैं चीज के टुकड़ों को इस तरह से सभी टमाटरों के ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। ऐसे
ऐसे, डाल दूंगी। और अब इसे अब मैं माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट के लिए डाल दूंगी। अब मैं ढक्कन लगाकर माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट के लिए पका लूंगी। इसे मैं माइक्रोवेव पे कर दी हूं और अब मैं टाइमिंग सेट कर रही हूं। पांच मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया है और मैं इसे स्टार्ट करती हूँ और इसे बीच में 3 मिनट के बाद भी मैं इसे चेक करूंगी कि ये हमारा पका है कि नहीं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए काफी गर्म है, लगभग हो चुका है, लेकिन 2 से 3 मिनट अभी और इसमें लगेगा। अब मैं फिर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए अभी ये हमारा टमाटर बिल्कुल ही पक चुका है और ये हमारा स्टफ टमेटोज बिल्कुल तैयार है। तो ये स्टफ टमेटो बनकर बिल्कुल ही तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।